तो गाइस फिर से एक नए वीडियो पे आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। और एक मेरे पास ये दिल्ली साइड से एक अमरा राजा चार्जर आया था, ये किसी मैकेनिक भाई ने मेरे पास भेजा है ठीक करने के लिए। और आप अभी रात के समथिंग आप देख सकते हैं कि मैं दिखा सकता हूँ टाइम क्या हो रहा है, कि आप लोगों को मजाक लगेगा कि सर क्या है झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 8:46 हो रहे हैं रात के इस टाइम मतलब कि, और इस टाइम अगर आप देखेंगे तो एक यमरा राजा मेरे पास चार्जर आया था और यहाँ पे भी काफ़ी सारे यमरा राजा पड़े हैं। देखिए शरीर में एनर्जी के लिए अमूल लस्सी का यूज़ किया जा रहा है इस टाइम। इधर भी यमरा राजा रखा हुआ है ठीक है। इसका कंट्रोल कार्ड निकाला गया है, आप देख सकते हैं कंट्रोल कार्ड का सुराग बिल्कुल क्लियर है देखिए, और कोई ट्रैक नहीं गया है देखिए, देख सकते हैं कोई ट्रैक नहीं गया है। ये कंट्रोल कार्ड भी हम लोग पूरा यहाँ पे 100% रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे मैं ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि इस पेस्ट को हर जगह यूज नहीं किया जाता है। जो इसमें फॉल्ट आया है पहले इस फॉल्ट को देखिए कि क्या गलती आदमी करता है। तो मैं इस चार्जर को लगा रहा हूँ, देखिए क्या है, मैं इसको लगा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, देखिए देख रहे हैं, देखिए देखिए ब्रिज रेक्टिफायर के पास देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना कैसे चिंगारी निकल रहा है, देखिए हर जगह से देखिए। अभी क्यों हो रहा है तो यहाँ पे भाई साहब ने, वो हमारे मैकेनिक भाई ने क्या किया है, इसमें एल्युमिनियम पेस्ट लगाया हुआ है यहाँ पे। तो एल्युमिनियम पेस्ट दिखाइएगा वहाँ से, देखिए ये वाला एल्युमिनियम पेस्ट, ये एल्युमिनियम पेस्ट जितना अच्छा काम करता है ना उतना ही ये बेकार है। ये भाई सिर्फ मोटर वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ना कि किसी कंपोनेंट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए ये यूज नहीं किया जाता है। और ये सिर्फ पेस्ट यूज किया गया है, इस कारण से वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चिपचिपा भी है, देखिए आप देखिए यहाँ पे देखिए है ना देखिए। और ये फॉल्ट उनसे सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि फॉल्ट ये काफ़ी अंदरूनी थी। मैं तो ये छोटी छोटी फॉल्ट आप लोगों को बहुत आसानी से बता देता हूँ, लेकिन ये फॉल्ट को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ठीक है। अभी बाहर का आप लोग मौसम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये मोटर आई हुई है मेरे पास, ये देखिए ये रिवाइंड किसी मैकेनिक ने किया है, देखिए देखिए ये भी ये हमारे पास का नहीं है देखिए, लेकिन ये सिर्फ जो है रिवाइंड इतना बेकार किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये अगर बार्निश ना किया जाए तो इस पर टाइटिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, देखिए बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है, ये कॉइलें बिल्कुल ढीली पड़ी है देखिए, देख रहे हैं। तो ये मोटर रिवाइंड हो रही है इस टाइम ये, और ये मैग्नेट के लिए आई हुई है मोटर, देखिए इस टाइम ये रात के टाइम मैग्नेट चार्ज हो रहा है इस टाइम। अब ये देखिए इनसे मैग्नेट ही नहीं निकल रहा है, क्या हो गया जी, तो हल्का हल्का लगाइए धीरे धीरे ठोकिए इसको, ये रात को 9 बजे देखिए इस टाइम मैग्नेट चार्ज हो रहा है, देखिए निकालिए आराम से, हाँ धीरे धीरे ठोकिए, हाँ ठोके ठोके देखिए ज़्यादा टाइट है, पहला भी इसकी टाइट ही होता है यहाँ पे ठीक है। देखिए अब ये भी क्या है कि कहाँ से आए हैं जी, कहाँ से आए बड़ा मर्द है, मऊ जिले से, ये मऊ से बड़े है, लेकिन एक बार का पता बा ये फौस गए बड़े जाके, ये फौस ऐसे गए बड़े कि इतना इनका पर काम पड़ जाता कि भागे लागत रहे काम के डर है। ए कहाँ से आए बड़ा वो, ए अब्दुल्ली कहाँ से आए बड़ा, वेस्ट बंगाल से, रात के 9 बजे काम चल रहा है ना। चलिए तो ठीक है, अभी एक मैग्नेट मशीन आई थी ठीक होने के लिए, इसको ठीक किया था, बस इतना ही छोटा सा वीडियो था जो मेन एल्युमिनियम पेस्ट के ऊपर था कि एल्युमिनियम पेस्ट को हर जगह यूज आप लोग ना करें, सावधानी से काम करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।